ड्रग्स की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में नंदनवन पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 1,31,000 का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने दी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदनवन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ईश्वर नगर जट्टीवार सभागृह के सामने स्थित पांठेले के पास NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी शेख शाहरुख शेख रशीद और आरोपी शोहेब उर्फ गोलू खान आरिफ खान की अंग झड़ती ली, जिस दौरान उनके पास से 10 ग्राम MD ड्रग्स पाउडर जब्त किया गया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 28/2/2022 रोजी DB PSI रहाटे, हवालदार सिद्धार्थ पाटील, NPC संदीप गोई, विनोद झिंगरे, पंकज तांबडे आणि प्रेम खैरकर हे एरियात पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना गुप्त बाईकदारावरून बातमी मिळाली की पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील ड्रग्सची विक्री करणारे गुन्हेगार नामे शेख शाहरुख शेख रशीद राहणार हसनबाग आणि शोएब उर्फ गोलू खान आरिफ खान राहणार गरीब नवाज चौक रोशनबाग खरबी हे ईश्वरनगर चौकामध्ये जट्टवार सभागृहाच्या बाजूला पाणठेल्यावर MD बाळगून असल्याची माहिती मिळाली। सदर ठिकाणी जाऊन आमच्या पार्टीने रेड केली असता दोघांच्या म्हणजे NDPS कायद्याचं तंतोतंत पालन करून रेड कारवाई केली असता त्यांची झडती घेतली असती पंचासमक्ष। त्यांच्याकडून 10 ग्रॅम 36 मिलीग्रॅम ही MD पावडर, किंमत 25,000 रुपये, 3 मोबाईल 6,000 रुपये आणि 2 ॲक्टिवा गाड्या, किंमत 1,00,000 रुपये, असा 1,31,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। दोन्ही आरोपी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। त्यांच्याकडे सदरचा माल कुठून आणला काय आणला याबाबत चौकशी सुरू आहे। दिनांक 3 तारखेपर्यंत ते PCR मध्ये आहे। त्यांच्या एकंदर ॲक्टिवून असं वाटतं की ते विकण्याकरिताच आलेले होते, विकण्याकरिता आलेले असताना त्यांना पकडण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल तपास सुरू आहे। पुलिस ने आरोपियों से 10 ग्राम MD पाउडर, 1 मोबाइल फोन और 2 दोपहिया गाड़ियां, ऐसा कुल मिलाकर 1,31,000 का मुद्देमाल जब्त किया। बता दें कि दोनों ही आरोपियों पर पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हैं। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।